बिल्कुल, लेकिन अलग अलग इलाकों में लगा, लेकिन भरतपुर संभाग में क्या हलचल है, क्योंकि सिटी पॉलिटिक्स में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आज आपकी सिटी की जो पॉलिटिकल खबर है वो आखिर क्या है, और ये हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर का रुख करेंगे, भरतपुर से मनोज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा में काफी चर्चा है, चूंकि पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का क्षेत्र है जिनका कांग्रेस में अपना एक रसूख रहा है, आवाम भी जबरदस्त आवाम पर पकड़ है, इस बार वैर का मिजाज क्या है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, वैर विधानसभा क्षेत्र की जहां तक बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के विधायक हैं भजनलाल जाटव। जैसा कि सुना जा रहा है कि कांग्रेस मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काट रही है, तो ऐसे में मौजूदा विधायक भजनलाल जाटव का टिकट मिलना लगभग तय लग रहा है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का है जो कि दो राज्यों में राज्यपाल भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ समस्या उनके सामने खड़ी हुई है कि उनके दोनों पुत्र ओपी पहाड़िया और संजय पहाड़िया, दोनों ही पुत्र यहाँ से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं, और असमंजस की स्थिति ये है। लेकिन मनोज कामा सीट क्या कह रही है? कामा सीट बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा कांग्रेस से जाहिदा खान और मौजूदा विधायक चुनाव लड़ेंगे या नहीं, फिलहाल पत्ते खुलने बाकी हैं। सिटी में पॉलिटिक्स में आखिर चर्चा किस बात की हो रही है? जी बिल्कुल, कामा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की जाहिदा खान है जो कि लगभग ये माना जा रहा है कि उनको टिकट मिल गया, लेकिन कह सकते हैं वो अभी टिकट की दौड़ में हैं, क्योंकि यहाँ से अलवर के एक मेव नेता हैं जुबेर खान, उनकी पत्नी भी यहाँ से टिकट मांग रही है जो कि आला कमान के काफ़ी नज़दीक है, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि टिकट उनको मिल जाए। और चूँकि कांग्रेस की लहर भी कहा जा सकता है, तो जाहिदा खान यहाँ पर भारी पड़ रही हैं। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं भाजपा के जगत सिंह जी का अभी ये तय नहीं हो पाया है कि वो कामा से लड़ रहे हैं या नहीं। अगर कामा से जगत सिंह लड़ते हैं तो कह सकते हैं कि भाजपा यहां पर कहीं ना कहीं भारी रहेगी, क्योंकि गत 5 वर्षों में उन्होंने विकास कार्य भी कराए हैं, साथ ही क्षेत्र के जो लोग हैं उनका मानना है कि यहां पर कांग्रेस के बजाय भाजपा भारी रहेगी। भरतपुर की जो सिटी पॉलिटिक्स है वो क्या कहती है, क्योंकि भरतपुर विधानसभा अभी तक ब्राह्मणों की परंपरागत सीट रही है, आगामी चुनाव को लेकर क्या समीकरण दिख रहे हैं, सिटी में क्या चर्चा है? जी बिल्कुल, भरतपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल में भाजपा के विजय बंसल विधायक हैं, और यहाँ पर कांग्रेस की एक लंबी फहरिस्त है टिकट मांगने वालों की, जो कि जयपुर व दिल्ली में इस समय पड़ाव डाले हुए हैं और वह हर हाल में टिकट लेना चाहते हैं। चूंकि यह ब्राह्मणों की सीट रही है, लेकिन गत 3 बार से यहाँ पर विधायक विजय बंसल चुने गए हैं, जिसके चलते वैसे समाज की भी इस पर नजर है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर संभाग की बात करेंगे, ऐतिहासिक